नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। हरिद्वार फोर्स को ब्रीफ करने आईजी रेंज करण सिंह नगनियाल पहुंचे। गुरुकुल कानगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार कार्यक्रम को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, निर्धारित यूनिफॉर्म में मुस्तैद रहेंगे सुरक्षा कर्मी, चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर, बम निरोधक दस्ता और एलआईयू भी रहेंगी एक्टिव मोड पर। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार। महामहिम उपराष्ट्रपति भारत सरकार के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत आज ड्यूटी में नियुक्त पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारीगण को उच्चाधिकारीगण द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफ करते हुए अपने अपने अनुभव से उक्त वीवीआईपी प्रोग्राम को सकुशल सम्पन्न कराए जाने हेतु महत्वपूर्ण जानकारियां व आदेश निर्देश दिए गए। फोर्स से मुखातिब होते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल द्वारा बताया गया कि सभी ऑफिसर्स निर्धारित वर्दी में निर्धारित समय पर अपने ड्यूटी एरिया में पहुंचकर सभी कर्मचारियों की मौजूदगी चेक करें और किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी के संबंध में शंका हो तो उसे मौके पर ही ब्रीफ करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये ड्यूटी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए चाहे कर्मचारी स्तर पर हो या अधिकारी स्तर पर, हमें सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करना है। ड्यूटी में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्रीफिंग में अपने संबोधन के दौरान आईजी रेंज करण सिंह नगनियाल द्वारा पूर्व में हुए वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सभी प्वाइंट ये इंश्योर करें कि बिना चेकिंग कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी महत्वपूर्ण ड्यूटी में 3 W इम्पोर्टेंट होते हैं। आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है इसको पूरी तरह ध्यान में रखें। अति विशिष्ट महानुभाव के जनपद आगमन पर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था एवं वीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही न हो। ब्रीफिंग के दौरान एसपी क्राइम द्वारा सभी ट्रैफिक कर्मियों को पंक्चुअल रहने और सतर्कता से ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया। ब्रीफिंग के दौरान एसपी जीआरपी, एसपी क्राइम ट्रैफिक अजय गणपति कुम्भार, एसपी ग्रामीण स्वप्न किशोर सिंह, कमांडेंट 40वीं वाहिनी पीएसी डिप्टी कमांडेंट प्रदीप कुमार राय, 40वीं वाहिनी पीएसी सुरजीत सिंह पनवार, एसपी काशीपुर अभय कुमार एवं अन्य ऑफिसर्स मौजूद रहे। इंडिया न्यूज 28 के लिए हरिद्वार से संवाददाता संजय भारती की रिपोर्ट। कल महामहिम उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए करीब 4 आईपीएस अधिकारी और 11 एडिशनल एसपी और एसपी, 6 कंपनी पीएसी और बड़ी संख्या में आर्मर्ड पुलिस और सिविल पुलिस के जवानों की नियुक्ति की है, जो रूप में से लेकर या कार्यक्रम स्थल तक रहेंगे। साथ ही कंटिजेंसी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ भी पुलिस की नियुक्ति की गई है। जो भी पैरामीटर है ब्लू बुक के अनुसार से, उन सबको देखते हुए ये ड्यूटियाँ हम लोगों ने लगाई। ट्रैफिक प्लान केवल कुछ समय का मूवमेंट है, फिर उसके बाद जो है जो हाईवे है यथावत चालू कर दी जाएगी। इससे जो भी आम जन है, यात्री है, ट्रेवल करने वाले, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल फ्लीट के मूवमेंट के समय में ही कुछ देर के लिए वाहनों को रोका जाएगा, ताकि फ्लीट बिना किसी बाधा के कार्यक्रम स्थल तक आ पाए। और उसके बाद यातायात पूर्ववत चालू रहेगी। यदि कोई एम्बुलेंस इत्यादि भी है तो उनको भी प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग निकालेंगे, ये निर्देश हमने अभी ब्रीफिंग में दिया है। किस तरह की सर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी सर? क्योंकि जो सर्वोच्च हमारी सुरक्षा कैटेगरी है जेड प्लस और ब्लू बुक से आच्छादित है महानुभाव, तो इसलिए उसके मानक के अनुसार से सारी सुरक्षा व्यवस्था हमने प्रदत्त की है।